बोलो सर हमारे पास अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो अगर हम कहीं फायरमैन के इंटरव्यू के लिए, कहीं फायर सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाते हैं तो हमसे क्या पूछा जाएगा? देखो सबसे पहले जब कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो जी, तो मैं भी बता रहा हूँ ठीक है, मतलब कि ये कि जब कभी इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाते हो जी जी, तो बेशक वो प्लांट हो बिल्डिंग हो, कहाँ के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी मान लो यहाँ बिल्डिंग काम करो, कहीं प्लांट में जाओगे तो लगभग कुछ चीज़ें सेम ही मिलता है हर बिल्डिंग में बिल्कुल। और एक फायर फाइटिंग, एक फायरमैन को बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए जिसके बारे में इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है जी। पहला ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर का डेफिनेशन नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गया। एक तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो नॉर्मल बंदा होता है उसको भी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कैटेगरीज ऑफ फायर, फायर 1000 मटेरियल का कैटेगरी जो होते हैं कि जैसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास होते हैं इलेक्ट्रिक फायर। ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना, समझ में आ गया। उसके अलावा इसके बारे में जानते हो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं कहीं मतलब कोई भी अगर पूछ ले तो इसमें सोचो मत, ऐसे करते नहीं समझ जाएगा कि बंदा ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको रट डालो कि बी क्लास में कौन सी आग आती है, सी क्लास में कौन सी आग आती है, डी क्लास में कौन सी आग आती है, ए क्लास में कौन सी आग आती है, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि कौन सी क्लास की आग को बुझाने के लिए कौन सी मटेरियल का इस्तेमाल करोगे जी। ए क्लास में कौन सी आग आती है? सॉलिड आग जी, जो जल, उसकी पहचान क्या है, जो राख छोड़ती है, जलने के बाद राख छोड़ती है, तो उसमें कौन कौन सी मटेरियल का इस्तेमाल करके आप आग को बुझा सकते हैं। पानी का इस्तेमाल करके, डाई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करके, जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आपको बुझा सकते हैं। अदरवाइज उसको बीटिंग करके, मतलब पीट के भी आग बुझा सकते हैं, समझ में आ गया। उसी प्रकार आपको बी क्लास के बारे में भी पता होना चाहिए, सी क्लास के बारे में भी पता होना चाहिए, डी क्लास के भी बारे में पता होता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के बारे में पता है। कई बार क्वेश्चन इसी बेसिक चीज़ें में से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपके पास ये एक्सटिंग्विशर है वाटर वाला, चाहे ये एक्सटिंग्विशर है, तो आप आग को बुझाओगे कि नहीं, तो वहाँ आप सोचने लगते हैं, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सोर्स है वहाँ पे। किस ग्रुप में आता है तो हम क्या बोलेंगे, क्या चीज़ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट किसी एक क्लास में नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एक सोर्स है, आग लगने का सबसे बड़ा जरिया है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें से एक गर्मी निकलती है, उसके अगल बगल का इंसुलेशन जैसे वायर हो गया उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो जलता है, इसलिए आग 80% आग जो लगते हैं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, वायर हीटिंग से, ओवरलोडिंग से, इलेक्ट्रिक के सोर्स से, समझ में आ गया। तो आग लगने का एक सोर्स है, आग लग गया उसके ऊपर जो छिलके होते हैं, जैसे केबल के ऊपर वायर प्लास्टिक का है, जिस रास्ते से गया है केबल, वुडन हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आग लग जाता है। गाँव में देखे होगा एक वायर गया है उसमें एक पौधा टच कर रहा है, उसमें आग लग जाता है, पेड़ में, समझ में आ गया। तो आग लगने के जरिया क्या है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। उसको क्या किया, उचित तापमान में उसको कन्वर्ट कर दिया जिससे कि उसमें आग लग गई, और शॉर्ट सर्किट से वैसे भी, समझ में आ गया। तो जो भी है, और रही बात आग कैसे बुझाओगे, सीधी सी बात है, जिस चीज़ में इलेक्ट्रिक प्रवाह कर सकती है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक किस में प्रवाह कर सकती है, पानी में, सारे मटेरियल में, मतलब कंडक्ट, मतलब जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी से आपको करंट लग जाए, मतलब पानी के अंदर जाएगा तो आपको करंट लग जाएगा, तो पानी से आग को बुझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी से आप आग को नहीं बुझाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फोम से भी नहीं बुझा सकते क्योंकि वो भी पानी का मिक्सचर ही होता है जी। ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ, गैस फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। फसलते CO2 टाइप वाला जब फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं तो उसका नोजल गीला हो जाता है, ध्यान देने वाली बात है। हाँ जी बिल्कुल, समझ में आ गया। तो उसका नोजल उस करंट से टच नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए बीच में। ये नहीं कि नोजल को उससे टच कर दोगे तब भी आपको झटके लग सकती है, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें सावधानियाँ हैं। उसके बाद आप मेन पावर सप्लाई काट के, मान लीजिए जब कभी बड़ा आग लग जाता है कहीं, ऐसा कोशिश करो कि छोटा आग किसी और, यदि किसी और वस्तु से आपको बुझाने की कोशिश करो। अदरवाइज जब बड़ा आग लग जाता तो उतना पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पाउडर नहीं है, क्योंकि एक फायर एक्सटिंग्विशर है पाउडर, या CO2 का एक सिलेंडर है। अब पर्याप्त मात्रा में क्या है, पानी है। बड़ा आग लग गया तो पानी से आग बुझाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो चाहे कुछ भी हो। तो उसके लिए सावधानी यह है कि मेन पावर सप्लाई को काटना है, बिल्कुल समझ में आ गया। हालांकि मेन जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो मेन पावर सप्लाई को काटना है, ध्यान देने वाली बात है। मेन पावर सप्लाई को काटना है, ये सुनिश्चित कर लेना है कि इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक, मतलब ये पता चला उसमें कई वायर आया, एक का वायर काटे आप दूसरे का नहीं काटे, क्योंकि जब जलता है वायर तो पूरे केबल जो अगल बगल के वो भी जल जाता है, तो उसमें भी करंट हो सकते हैं। प्रॉपर बिल्डिंग की जो मेन सप्लाई वही बंद करना है, मेन पावर सप्लाई को बंद करके फिर आप उस आग को बुझाना है पानी से। हमारी बिल्डिंग में जो मेन सप्लाई जो बंद करने का जो या रूम है या कुछ भी है, कोई साधन मतलब कोई बक्सा, वो काम पे हमारी बिल्डिंग में हर एक बिल्डिंग में एक मेन पावर सप्लाई का एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। जैसे हमारा LT रूम जिसको लो टेंशन रूम बोलते हैं, DG रूम जहाँ से पावर जनरेट होता है, ट्रांसफार्मर रूम हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर रूम में भी एक ब्रेकर लगा होता है, वहाँ से डायरेक्ट पावर सप्लाई काट सकते हैं, ठीक है। आपके घर में होता है, आप देखोगे खम्भे से वायर आता है, मीटर लगा होता है, उसके बाद एक स्विच बोर्ड होता है, वहाँ से पावर सप्लाई काटना है। वो हमारी बिल्डिंग में जैसे कि DG रूम में तो काफ़ी सारी MC हैं, वो सभी बहुत सारे हैं। उनका जो एक मेन हेड पॉइंट भी तो होता होगा ना सर कुछ? हाँ होता है, मेन ब्रेकर होता है, ठीक है। तो उसको बारे में जानो कहाँ से होता है, आप फायरमैन हो, ठीक है, ठीक है सर। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिकल का मदद लेके भी उसको कराना है मेन पावर सप्लाई को, क्योंकि इतनी बड़ा सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक टीम भी रहेगी, समझ में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए। फिर परेशानी ये रहेगी ना सर, जैसे या तो हम पहले पहुंच जाएं क्योंकि हमारा तो फायर है। अब मैं आगे बढ़ूँ? हाँ, ये हो गया बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जी, तेल में आग लग गया तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करोगे? आप बोलोगे फॉर्मूला, क्यों इस्तेमाल करोगे? क्यों रखना पड़ेगा, तो ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और कौन सी क्लास में कौन सी मटेरियल का, समझो ना, मटेरियल फेंकता। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, उस मटेरियल को प्रोवाइड कराता है, समझ में आ गया। उसको मतलब एक तरीका है फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब एक बाल्टी में भी मटेरियल भर सकते हैं, लेकिन वो उस आग के ऊपर प्रॉपर अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर स्टोर करते हैं, उसके अंदर से ऑटोमेटिक निकल के वो अप्लाई जल्दी से जल्दी काम हो।